ये तो कोटकासिम क्षेत्र में टाइगर देखे जाने की सूचना मिली है। कानहड़का गांव के आसपास टाइगर ST-2023 के पगमार्क दिखने का दावा कर रहे हैं ग्रामीण। फॉरेस्ट रेंजर शंकर सिंह के अनुसार टीम मौके पर रवाना हुई है। मौके पर जाकर टीम जांच करेगी। कोटकासिम कानहड़का गांव ढाणी बिलाहेड़ी दरवास और आसपास के ग्रामीणों को सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। तस्वीरें भी आई है एक्सक्लूसिवली फर्स्ट इंडिया पर, ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। टाइगर देखे जाने की सूचना और इसके बाद पगमार्ग जो कहीं ना कहीं इस दावे को पुष्टि में तब्दील कर रहे हैं। सरिस्का के बाग ST-2303 को लेकर अपडेट, झाबुआ से 13 किलोमीटर दूर उजौली गांव में मिले हैं बाघ के पगमार्ग। सरिस्का की तिजारा रेंज का स्टाफ और मॉनिटरिंग टीम मौके पर मौजूद है। वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर अरविंद माथुर और डॉक्टर डीडी मीणा भी मौके पर मौजूद। फील्ड बायोलॉजिस्ट गोकुल कन्नन व रेस्क्यू टीम के सदस्य मौके पर मौजूद हैं। पिछले एक सप्ताह से झाबुआ और आसपास के क्षेत्र में बना हुआ है बाघ का मूवमेंट। जिस क्षेत्र में लगाए पिंजरे वहां से बाघ निकला, ट्रैंकुलाइज के प्रयास होंगे। सरिस्का के DCF अभिमन्यु सहारण मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 15 अगस्त को सरिस्का के जंगल से निकला, फिर हरियाणा तक पहुंचा था बाघ। अधिक जानकारी देने के लिए एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। निर्मल जी, बाघों के मूवमेंट की दो अलग अलग खबरें, जहां एक तो अपडेट आया है और दूसरी तरफ बाघ के मूवमेंट से दहशत का माहौल। अब बताइएगा, क्या फिलहाल ताजा अपडेट दोनों ही मामलों में मिल पा रही है? सुप्रभात शिखा, सबसे पहले तो आपको भगवान श्री गणेश की चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारे तमाम दर्शकों को शुभकामनाएं और मीडिया क्षेत्र की महान हस्ती जगदीश चंद्रा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, सरिस्का के बाघ की बात करें तो ST-2303 जो है वो 15 अगस्त से ही अपना क्षेत्र छोड़ करके निकल गया था और पहले तो वो हरियाणा बॉर्डर के आसपास दिखाई दिया और उसके पिछले दिनों वो जब हरियाणा पहुंचा तो झाबुआ के जंगलों में लगातार उसका मूवमेंट बना हुआ था। यही कारण था कि जो अभिमन्यु सारण जो DFO है सरिस्का के और फील्ड डायरेक्टर संग्राम सिंह कटियार, दोनों ने वहां पिंजरे भी लगवाए, कैमरा टैप लगवाए और कोशिश ये की गई कि इस बाघ को या तो केजिंग की जाए और दिखे तो ट्रैंकुलाइज किया जाए, लेकिन दोनों ही स्थिति नहीं बनी। और आज जब सुबह इसके पगमार्क मिले, ये झाबुआ से 13 किलोमीटर दूर है उजौली गांव, जो रेवाड़ी जिले का जो झाबुआ क्षेत्र है उसका उजौली गांव है। उजौली गांव में इसके पगमार्क मिले हैं। वहां पर आसपास चूंकि काफी बरसात भी हुई तो इसके लगातार पगमार्क वहां देखने के बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, तो वहां पर जो वरिष्ठ पशु चिकित्सक हैं डॉक्टर अरविंद माथुर और DD मीणा वो मौके पर पहुंचे। जो सरिस्का की जो तिजारा क्षेत्र की जो टीम, रेंज की जो टीम है वो वहां पर पहुंच गई है। कोशिश ये की जा रही है कि इस बाघ को कैसे भी अगर ये दिखे तो इसको ट्रैंकुलाइज किया जाए ताकि इसको यहाँ से शिफ्ट किया जाए, क्योंकि इधर आसपास काफी बस्ती है, बस्ती में काफी न केवल मवेशी भी है वहां ग्रामीण भी काफी रहते हैं, तो एक बार अगर दोबारा इसका इंसान से सामना हुआ तो निश्चित तौर पर इसका भी नुकसान हो सकता है, बाघ का भी और इंसानों को भी ये क्षति पहुंचा सकता है। तो कोशिश ये की जा रही है कि वहां जहां, लेकिन खास बात देखिए, जहां पिंजरे लगाए गए थे झाबुआ क्षेत्र में वहां से निकल चुका है और वहां से 13 किलोमीटर दूर पहुंच गया। अब लगातार कोशिश ये है कि ये उजौली के आसपास ही, चूंकि ये जो हम दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं आसपास के क्षेत्र के वीडियो और फोटो के माध्यम से यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सपाट क्षेत्र है, यहाँ इसको ट्रैंकुलाइज किया जा सकता है। खासकर झाबुआ में दिक्कत ये थी कि बड़ी वीड्स काफी बड़ी थी, 6-7 फीट ऊंची घास हो रही थी वहां पर, और उसमें अगर इसको ट्रैंकुलाइज करते और ये इधर उधर भागता तो निश्चित तौर पर इसको पकड़ना मुश्किल होता है, इसकी जान को भी खतरा हो सकता था। लेकिन अब ये क्या है कि ऐसे क्षेत्र में आ गया जो सपाट क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, तो अगर ये यहाँ पर अब दिखाई देता है, कोशिश यही है, दो डॉक्टर वहां पर ट्रैंकुलाइज टीम के साथ है, फील्ड वैल्यूज गोकुल कन्नन वहां पर है, तमाम जो टीम है रेस्क्यूअर्स की वो वहां पर मौजूद है। अगर जैसे ही अब इसकी साइटिंग होगी कोशिश ये की जाएगी इसको ट्रैंकुलाइज किया जाए, और ट्रैंकुलाइज करने के बाद क्योंकि पहले से ही आदेश निकाल दिया मुख्य वन जीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय ने कि इसको ट्रैंकुलाइज करने के बाद रामगढ़ विषधारी जो बूंदी का जो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है वहां पर इसको ट्रांसलोकेट किया जाएगा, क्योंकि जनवरी में ये एक बार हरियाणा पहुंच गया था, उसके बाद अब लगातार पहुंचा है, पहले एक को घायल किया उसके बाद 5 लोगों को घायल दूसरी बार में अब कर चुका है, तो ऐसी अप्रिय घटना दोबारा ना घटे, इस बाघ को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि युवा बाघ है कहीं भी निकल सकता है, कोई भी नुकसान कर सकता है, तो उसका खुद का नुकसान ना हो, इंसान का नुकसान किसी तरह का ना हो और इसको सकुशल यहाँ से ट्रैंकुलाइज करके बूंदी शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि क्योंकि ये रास्ता है पहचान चुका है, तो बार बार इसको अगर यहाँ छोड़ा गया तो दोबारा यहाँ आएगा। तो कोशिश ये है इस तरह की अप्रिय घटना को टालने के प्रयास ये है कि इसको ट्रैंकुलाइज कर लिया जाए, तो आज पूरी संभावना है क्योंकि मैदानी इलाका अगर यहाँ दिखाई देता है तो इसको ट्रैंकुलाइज करके बूंदी के रामगढ़ विधारी शिफ्ट किया जाएगा। शिखा, बिल्कुल ठीक है निर्मल जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए जानकारी।